नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ स्मिता उपाध्याय। देश में 3 लोकसभा सीट और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें दिल्ली के राजेंद्र नगर पर भी उपचुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए मनोनीत होने के बाद राघव चड्ढा ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यह सीट रिक्त हो गई थी, जिसके बाद अब यहां पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें बीजेपी की तरफ से राजेश भाटिया मैदान में है, तो वही आम आदमी पार्टी की तरफ से दुर्गेश पाठक मैदान में है और जीत का दम भर रहे हैं। तो आइए चलिए जानते हैं राजेंद्र नगर के लोगों से कि आखिर उनका नजरिया क्या है, आखिर राजेंद्र नगर सीट से जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का मंत्री हूँ और राजेश भाटिया जी क्यों जीतेंगे, पहली बात तो स्थानीय है और भगोड़ा भाग चुका और ये भगोड़ा भी बाहर से आया यही भाग जाएगा। 26 तारीख को जब पोलिंग खुलेगी, वोटिंग गिनती होगी, उस समय आपको पता चल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक घर के अंदर जा जाके हमने काम किया है और भारतीय जनता पार्टी सदा काम करती है। क्या लगता है राजेश भाटिया यहाँ से जीत निकल रहे हैं? जी बिल्कुल, राजेश भाटिया जी यहाँ पर बहुत ही भारी मतों से विजयी हो रहे हैं और यहाँ पर आप जो जनता का रुझान है, हम यहाँ पर लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं और बगैर भी पटका उतार के जानकारी ले रहे हैं, तब भी वो लोग बोल रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर रहे हैं। वो बार से यहाँ पर आपने सीट निकाली है तो क्या लगता है? देखो बीजेपी को है ना एक अच्छा मौका मिला, जो यही का कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट है वो बाहर का कैंडिडेट है, तो लोग पब्लिक यहाँ पे ये भी कह रही है यहाँ पे कि बाहर के कैंडिडेट को हम क्यों वोट दें, हम वहाँ काम कराने थोड़ी जाएंगे, हम जो काम कराएंगे तो यहीं के लोग से काम कराएगा, जो यहाँ पे हमारी 15 दिन से ड्यूटी लगी हुई है, 15 दिन से घर घर में हमने जाके हमने सर्वे किया है, हर एक आदमी कह रहे थे हमने पहला आम आदमी को वोट दिया था, इस बार आम आदमी को वोट हम नहीं देंगे। लेकिन राजेश भाटिया और इन दोनों में कंपटीशन इतनी ज्यादा है क्योंकि आम आदमी की गवर्नमेंट है, पता नहीं एक आदमी कितना उसको इंफ्लुएंस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन हम अपने आर ब्लॉक से या नगर से राजेश भाटिया की उम्मीद कर रहे हैं। 100% जो है बीजेपी ही परचम लहराएगी यहाँ पर, वो इसलिए क्योंकि यहाँ की जो जनता है ना बदलाव चाहती है और इस बार जो है परिवर्तन जो है लोग चाहते हैं, उनको मालूम है कि 2.5 साल में राघव चड्ढा ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। हमारी बीजेपी जीतेगी क्यों? पहले भी एक भार का मुद्दा आया था, अब दोबारा भार का मुद्दा है, जमीनी वाले ये बोल रहे हैं कि हमें अपना जमीनी वाला चाहिए। लेकिन आप तो कह रही है कि जो दुर्गेश पाठक है वो भी यहाँ से स्कूलिंग करी है, तो यहाँ नहीं, यहाँ का नहीं है, वो भार का है, त्रावल नगर से भी आगे वहाँ का जूट, पहले भी उसको राघव चड्ढा का बोला था कि यहाँ का था और राजेंद्र नगर में वहाँ पे रहता था और रेंट पे रहता था, अगर वो जमीनी भी यहीं का था तो वो किराए को देता था। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीतेगी, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है कि 2 बार वो धोखा खा चुके हैं, अभी तक चल रहा है, वो धोखा नहीं खाना चाहते, क्योंकि आप जाके देखिए जे जे कॉलोनी में सड़क के नाम पे गड्ढे हैं, राघव चड्ढा का मतलब गड्ढा था और कुछ नहीं था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के स्टेट को कन्वेनर केजी धंधापानी जी, तो आइए उनसे जानते हैं कि आखिर इस राजेंद्र नगर सीट से राजेश भाटिया जीत पाएंगे या फिर पिछली 2 बार की तरह आम आदमी पार्टी इस बार भी अपनी जीत का परचम लहराएगी। क्या लगता है सर, यहाँ से राजेश भाटिया जी जीत पाएंगे? नमस्कार, बिल्कुल 100% जीत जाएंगे हमारा कैंडिडेट राजेश भाटिया जी, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉलोनी में बहुत सारा कमी है, ये पिछले कैंडिडेट है वो विधायक है राघव चड्ढा जी, यहाँ से भाग गया, मतलब पंजाब भाग गया, यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने काम नहीं किया, यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम है, पानी का भी है वहाँ, यहाँ पे हेल्थ का भी, सड़क का भी है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, उन्होंने कुछ भी नहीं काम नहीं किया यहाँ पे। हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र नगर से बीजेपी के उम्मीदवार राजेश भाटिया जी, उनसे जानते हैं कि आखिर वह इस चुनावी मैदान में अपना डंका बजा पाएंगे या फिर हर बार की तरह 2 बार जैसे पिछली 2 बार से यहाँ पर आप जीतती आई है, तो इस बार भी दुर्गेश पाठक यहाँ से सीट निकालेंगे, तो क्या लगता है आपको? पहले 4 बार से हम जीतते आ रहे थे और हम 5 बार जीत रहे, 5वीं बार आए सर, क्या लगता है आपको यहाँ से पिछले 2 साल से 2 बार से आप जीतती आई है, क्या लगता है कि इस बार जीत पाएंगे आप? वैसे तो ये चुनाव 2025 में होना था, ये चुनाव तो होना भी था, उनका विधायक भाग गया यहाँ से,
उसकी महत्वाकांक्षा थी, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए गर्मी में सियासी जनता को पानी की हाहाकार करती जनता को बीच छोड़ के भाग गया वो, उस कारण चुनाव हो रहा है। तो जनता जनता सीख चुकी है और जागरूक हो चुकी है कि एक भाग गया, एक बार का भगोड़ा यहाँ दे दिया उसका, यहाँ खुद वोट नहीं है। आप जीते हैं, क्या लगता है इस बार भी आप ये सीट निकाल पाएगी? 100% और दिल्ली में हर कोई बाहर का है, कोई हरियाणा से है, कोई गोरखपुर से है, कोई यूपी का अलग अलग जिले से, ऐसे ही साल से आया हुआ मुकेश पाटिल, IAS पढ़ने आया था, पढ़ाई छोड़कर केजरीवाल के नेतृत्व से प्रभावित होकर केजरीवाल जी का साथ लग गया, अब तक कामयाबी के शिखर पर है, अब नहीं पहुंचा है, अब बहुत तगड़े मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीत ले रही है। देखिए सर, फायदा नफा नुकसान कुछ नहीं होता है, हर इंसान चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, ये छोड़ने की बात है, उनका 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 ये भविष्य है, उनका लक है, जो कि वो आज राज्यसभा में पहुंचे हैं, वो भागे कहीं नहीं, वो हमारा और प्रतिनिधित्व करेंगे जनता का और मजबूत हुए हैं, और जब तक राजेंद्र नगर के लिए पूरे हिंदुस्तान की समस्या को रखेंगे। स्थानीय क्या होता है आपको मालूम नहीं कि यहाँ पर पढ़ते रहे वो, यहाँ पर इसका एग्जाम दे रहे थे, यही वो पढ़ाई कर रहे थे सुरेश पाठक जी, तो कहाँ बाहर के राजेंद्र नगर सीट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर है। आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक का कहना है कि विकास के नाम पर वोट कीजिए, तो वही बीजेपी के राजेश भाटी का कहना है कि वह स्थानीय है और स्थानीय होने के नाते यहाँ के लोगों से परिचित है, इसलिए उनको वोट दिया जाए। फिलहाल जब 26 तारीख को नतीजे आएंगे तो जीत का सहरा जनता किसके सिर बांधेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सनी माहेश्वरी के साथ स्मिता उपाध्याय, दिल्ली।